यहाँ पे पास में ही बनास नदी बहती है, तो यहाँ पे नहाने वाले के लिए क्लाउड है। देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है बनास नदी और उसकी उस ओर है पहाड़ बहुत बड़े। गुजरात में गिरनार से दूसरे नंबर पे ये पहाड़ आते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत क्लाउड है, नहाने वाले लोग हैं सब, तो आप एंजॉय कीजिए, मैं आगे आपको दिखाता रहूँगा। अब तो देखिए ये मैं टाइम लेफ्ट लगाता हूँ। रास्ता मंदिर की ओर से सीता नदी में आता है और यहाँ से हम आए हैं, तो ये रास्ते से सीता नीचे आने से यहाँ पे नदी आती है, यहाँ पे लोग नहाते हैं। देखिए तो फिलहाल तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, फिलहाल तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे का रास्ता। देखिए सीता, यह है मंदिर। फिलहाल तो अभी ये है बालाराम महादेव का मंदिर और ये बहुत पुराना तीर्थ स्थान भी माना जाता है। और यहाँ पे एक शिवलिंग है, उसके अंदर से पानी निकलता है और ठीक उसके सामने यही है बनास नदी बहती हुई। और विश्वेश्वर महादेव और बालाराम महादेव के दोनों ही मंदिर बनास नदी के किनारे पे है। तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं सावन मास में। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, आज पूनम का दिन है इसलिए। तो फिलहाल तो अभी यहाँ से तो निकलते हैं और आपको आगे जाके मिलते हैं। फिलहाल देखिए यही है एक खिलौने की दुकानें हैं और अब हम यहाँ से निकलते हैं और सीधा आपको मिलते हैं हाईवे पे। फिलहाल तो अभी दोस्तों बालाराम मंदिर के दर्शन करके निकल चुके हो और बालाराम मंदिर आप किसी को आना हो तो गुजरात के बनासकांठा ज़िले में पालमपुर के पास जो चित्रासनी आता है वहाँ से करीबन 2-3 किलोमीटर है। तो अब फिलहाल अब सीधा ही हम जाएंगे अंबाजी। अंबाजी जो लोग शूट कर पाएंगे तो आपको दिखाएंगे, वरना कोई सा फोटोग्राफ डाल देंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ, मैं लगाता हूँ अब टाइम लैप्स। तो चलो आप इंजॉय कीजिए टाइम लैप्स। अंबाजी माता का टेंपल और यहाँ पे हम वीडियो तो शूट नहीं करेंगे, यहाँ पे वीडियो शूट या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसीलिए। फिलहाल तो अभी अंबाजी दर्शन करके निकल चुके हैं, हमने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया था, वो तो आप जो फोटो शूट किए थे वो आपको दिखा दिए, फोटो मैंने डाल दिए है व्लॉग में तो आपने देख लिए होंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकल चुके हैं।